नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। कल दीपावली थी और दीपावली के अवसर पर सभी अपने अपने घर में खुशियां मना रहे थे, पटाखे जला रहे थे। वहीं अगर हम बात कर लें अब राजनेताओं की तो उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। कल लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव भी दीपावली मनाते हुए नजर आए, पटाखे चलाते हुए नजर आए। हालांकि बिहार में पटाखे बैन है लेकिन उसके बावजूद पटाखे जलाए जा रहे हैं। और कल तेज प्रताप यादव की भी कुछ वीडियो हमारे सामने आई है जिसमें तेज प्रताप यादव पटाखे जलाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए। तो देखा आपने कि किस प्रकार से तेज प्रताप यादव खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि क्या आरजेडी के हार से तेज प्रताप यादव खुश हैं? क्योंकि आरजेडी की बात कर लें और नेताओं की बात कर लें या तेजस्वी यादव की बात कर लें तो किसी ने भी अभी तक सोशल मीडिया पर ऐसे कोई पोस्ट नहीं डाले हैं जिससे ये लग रहा है कि वो खुशियां मना रहे हैं दीपावली में। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब उपचुनाव के नतीजे आए थे जिसमें आरजेडी की हार हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी में मायूसी छा गई। लेकिन तेज प्रताप यादव ने उस वक्त भी एक बड़ा बयान ये दे दिया था कि ये हार सिर्फ और सिर्फ जगदानंद सिंह की वजह से हुई है। और भी कई नेताओं के नाम उन्होंने लिए थे जो वरिष्ठ नेता आरजेडी में माने जाते हैं, उनके भी नाम उन्होंने लिए थे और कहा था कि आरजेडी की हार सिर्फ इन नेताओं की वजह से हुई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से अलग दिखाई दे रहे हैं। जहां तेज प्रताप यादव ने जो वीडियो अपना पोस्ट किया है उसमें भी उनके परिवार के लोग शामिल नहीं हैं। और बात कर लें अगर पार्टी की तो पार्टी में भी उनकी सबसे नहीं बन पा रही है, जो बड़े बड़े नेता हैं आरजेडी के उनसे उनकी नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव अलग थलग नजर आ रहे हैं। लेकिन कल तेज प्रताप यादव ने अपनी दीपावली मनाई है, दीपावली के अवसर पर वो पटाखे भी जलाए हैं जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी की है। अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की तो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली को रवाना हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव पटना आए तो थे और कहा यह भी जा रहा था कि एक महीना वो पटना में रहेंगे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और वो फिर से दिल्ली को रवाना हो गए हैं। और अब जो खबर सामने आ रही है कि उनकी सर्जरी भी होने वाली है। तो लालू प्रसाद यादव की फिलहाल तबीयत ठीक नहीं है और दीपावली के अवसर पर लालू परिवार में भी कुछ ज़्यादा हर्षोल्लास देखने को नहीं मिला। लेकिन तेज प्रताप यादव की हम बात कर लें तो तेज प्रताप यादव खुशियाँ मनाते हुए नजर आ रहे थे। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।